नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के एक और ऑप्शंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं होस। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि हाउ टू यूज़ होस इन 3ds Max। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में हमने डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था, तो यहीं पे आपको ये होस ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से होस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, देन यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगा, तो ये कुछ इस तरह की शेप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी तरह ये चीज़ें हम या तो किसी टेबल की लेग्स को बनाने के लिए, बेड की लेग्स को बनाने के लिए, या ब्रेस्टर्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो जैसे सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई पे चलते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो टाइप दिए हुए हैं, जैसे कि एक आया है बाउंड टू ऑब्जेक्ट पाइवट्स, और यहाँ पे आ रहा है फ्री होस पैरामीटर्स। तो पहले फ्री होस पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपको फ्री होस पैरामीटर की हाइट यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो आप ये हाइट देना चाहते हो तो यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आप जितनी भी हाइट आप इसको वैल्यू देना चाहते हो उतनी हाइट दे दीजिए। देन यहाँ पे सेगमेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो कितने सेगमेंट्स आप देना चाहते हो उतने सेगमेंट्स आप दे सकते हो। देन यहाँ पे फ्लेक्स सेक्शन इनेबल दिया हुआ है। तो फ्लेक्स सेक्शन इनेबल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो स्टार्ट करूँगा तो देखोगे आपकी नीचे यहाँ पे आपको जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये अप और अपसाइड मूव कर रहा है। तो इसको अगर आप इस साइज़ को आप चेंज करना चाहते हो, या कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, उस हिसाब से आप ले सकते हो। कि अगर आपको इसकी वैल्यू कम चाहिए तो आप इसको कम कर दीजिए, और अगर एंड पॉइंट से यहाँ से आपने इसको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से भी आप इसको कम कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे साइकिल्स दी हुई हैं कि कितनी साइकिल्स में आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो उतनी साइकिल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन उसी के साथ यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कि आप डायमीटर को कम ज़्यादा करोगे। तो जैसे कि मैं डायमीटर को कम कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, तो आप इस तरह की शेप्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्मूथनिंग, साइड्स की स्मूथनिंग चाहते हो नहीं चाहते हो, तो जैसे साइड्स की स्मूथनिंग, सिर्फ साइड्स पे स्मूथनिंग चाहिए तो इस तरह से आप साइड्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नन चाहते हो कि किसी पे भी आपको स्मूथनिंग नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और सेगमेंट्स में ही अगर आपने स्मूथनिंग चाहिए, बाकी साइड्स पे स्मूथनिंग नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑल कर देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे रेंडेबल यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको अनचेक कर दोगे तो ये रेंडेबल नहीं रहेगा, मतलब कि ये रेंडर नहीं होगा। देन यहाँ पे आपको होस शेप भी दी हुई है। तो होस शेप क्या होती है, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप देखोगे कि इसकी जो डायमीटर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे कि ये आपका राउंडेड में दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको साइड्स जो है इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। तो जितना कम करोगे ये उतना ही इसको कम कर देगा, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ही इसको स्मूथन में डाल देगा। तो जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी। जब मैंने इसके जो होस जो आपके यहाँ पे शेप दी गई है राउंड की, उसका डायमीटर मैंने कम कर दिया, और उसमें सेगमेंट्स जो हैं वो मैंने 3 डाल दिए हैं। तो मैं सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ, तो आपकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और आपको यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। देन नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर होस। तो रेक्टेंगुलर होस में क्या होगा कि आपका जो होस है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में आ जाएगा, और यहाँ पे आपको डेप्थ और विड्थ दी गई है। तो जैसे इसकी विड्थ है तो विड्थ को आप कम ज़्यादा करना चाहते हो कम ज़्यादा कर दीजिए, और यहाँ पे डेप्थ भी आपको दी गई है कि आप डेप्थ को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको फिलेट दिया गया है। जब मैं फिलेट को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे फिलेट चेंज नहीं हो रहा है। ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमें पहले यहाँ पे फिलेट सेगमेंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे। तो फिलेट सेगमेंट्स जितने आप प्रोवाइड करोगे, सेगमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो फिलेट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं इसकी फिलेट को कम करता हूँ और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फिलेट शो कर देगा। देन अगर मैं इसकी जो सेगमेंट्स को हैं उनको इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये इसमें यहाँ पे उतना ही राउंड मटेरियल आपको क्रिएट करके दिखा देगा। तो अगर आप इस तरीके की भी इमेज को क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको भी क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है यहाँ पे डी सेक्शन होस।
तो डी सेक्शन भी एज इट इज ही वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली सिर्फ जो उसकी शेप होगी वो डी सेक्शन में यहाँ पे शो की गई होगी। तो इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे राउंड साइड्स हैं हमारी, तो इसको मैं जितना इंक्रीज करूँगा वो उतना ही इसको राउंडिश कर देगी और उतना ही स्मूदन में इसको ले आएगी। देन फिलेट यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी आपने सेगमेंट्स देने हैं। सेगमेंट्स देता हूँ और यहाँ पे फिलेट बढ़ा देता हूँ। तो पहले फिलेट दिया मैंने, पहले उसके सेगमेंट्स प्रोवाइड किए, देन उसके बाद मैंने फिलेट का एरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रोटेशन का। तो जैसे ही मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे डी सेक्शन के बाद रोटेशन आ रही है। तो रोटेशन का क्या काम है कि आपको ये रोटेट कर देगा कि किस एंगल में या किस रोटेशन पॉइंट्स पे आप इसको रखना चाहते हो। तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, जिस भी एंगल में आप रोटेट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा होस। तो होस यहाँ पे बाउंड ऑब्जेक्ट पाइवट्स भी होता है यहाँ पे। तो इसमें भी आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे टेंशन दी हुई है 100 की, तो मैं इसमें बढ़ा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो यूज़ होंगी वो आगे जाके यूज़ होंगी, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो शुक्रिया दोस्तों आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।